वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपने गोल्डन रेस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से निश्चित ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे या बड़े दोनों मिलाकर। आपको अच्छे से इसको देखना है और समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सालों का अंतराल दिया जाएगा, इसलिए आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। शुरू करते हैं हम इन कुछ पॉइंट से। जैसा कि चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ बिश्नोई, टेल मतलब होता है कहानी, बिश्नोई एक समुदाय का नाम है, कम्युनिटी का नाम है, तो बिश्नोइयों की कहानी इसके अंदर शेयर की गई है। बिश्नोइयों के जो मतलब कहते हैं ना, बिश्नोइयों के जो हेड होते हैं वो थे जाम्बोजी महाराज, जिनको आज हर कोई जानता है। कैसे जाम्बोजी इतने विख्यात हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया और कहाँ पर किया, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बात हमारे राजस्थान की है, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर। जोधपुर के पास में ही एक छोटा सा गांव बसता है जिसका नाम है खेजड़ली। ये गांव आज भी वहां पर स्थित है। बहुत साल पहले या कह सकते हैं कई शताब्दी पहले वहां पर क्या परिवर्तन आए थे, क्या क्या हुआ था, वो हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान के एक गांव को मारवाड़ कहा जाता है, राजस्थान के एरिया को मारवाड़ कहा जाता है, जिसमें अलग अलग एरिया शामिल है। राजस्थान की हालत पुराने समय में बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी। आज भी हम देखते हैं हमारे यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती, पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बारिश ना होने की वजह से पूरी की पूरी जो जमीन थी वो सूख चुकी थी, चट्टाने जो थी वो सूखी थी, पेड़ नामात्र के थे, जानवर का भी बेहाल था क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं था। ऐसा राजस्थान में सदियों से चलता आ रहा है और ये बात लगभग है 13th century से भी पहले की, मतलब 13वीं शताब्दी से भी पहले की हम बात कर रहे हैं। अभी हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन ये बात जो इस चैप्टर में डिस्कस की जा रही है वो 13वीं शताब्दी से भी पहले की है, मतलब बहुत सालों पहले की है। तो हुआ क्या, मारवाड़ जिसको कि जोधपुर के आसपास के एरिया को कहा जाता है, वहां पर सभी चीजें क्या थी, सूखी थी, कुछ पेड़ और कुछ जानवर देखने को मिलते थे। विशेष ध्यान रखेंगे, ये आपके क्वेश्चन भी है, कौन कौन से पेड़ राजस्थान के जोधपुर के एरिया के आसपास देखने को आज भी मिलते हैं, उनमें शामिल है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट खेजड़ी का पेड़। दो चीजें ध्यान रखना अलग अलग है, खेजड़ली एक गांव का नाम है और खेजड़ी एक पेड़ का नाम है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। बहुत ही मान्यता प्राप्त ये पेड़ होता है, सभी लोग इसकी पूजा भी करते हैं और कहा जाता है कि एक कल्प वृक्ष है, जो भी आप इच्छाएं इस पेड़ के सामने रखेंगे वो जरूर पूरी होती है, ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है। खेजड़ी के अलावा और कौन कौन से पेड़ थे यहाँ पर मारवाड़ में पुराने समय में, एक बेर का पेड़ भी था, कैर और सांगरी जिसके हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, ये सारे पेड़ जो थे मारवाड़ के एरिया में उस वक्त पाए जाते थे, क्योंकि इनको उगने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, थोड़े से पानी में भी ये काफी समय तक उग जाते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर भी मारवाड़ के एरिया में पाए गए थे, वो थे एंटीलोप जिसको कि बारहसिंगा कहा जाता है, या चिंगारा और नीलगाय। इसके अलावा भी काले हिरण वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते थे। ये ऐसे जानवर थे जो लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकते थे, पर पानी की जरूरत तो होती है। साथ में इसमें आप कैमल भी लिख सकते हो, कैमल जो कि हमारा रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, वो भी उस समय अवेलेबल था। अब हुआ क्या था, कैसे ये शुरुआत हुई इस कहानी की, देखते हैं। भील जाति के लोग सबसे ज्यादा मारवाड़ के अंदर रहते थे, क्योंकि उस एरिया में सबसे ज्यादा जो जनजाति थी वो भीलों की थी। भील लोग अलग अलग जगहों से आए हुए थे और राजस्थान में जोधपुर जिले के आसपास के बस्तियों में ये लोग बसे हुए थे। उसी समय 3000 साल पहले जब ये भील रहते थे, उससे भी 3000 साल पहले क्या हुए थे, एशिया से, पश्चिम एशिया से और मध्य एशिया से कुछ लोग आए थे जो पशुपालक थे, जो अपने जानवरों को चराने के लिए भारत में आ गए थे। भारत में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में ऑलरेडी पहले से ही भीलों का शासन है, भील वहां पर रह रहे हैं, पर भील उनके सामने थोड़े से लो रह गए और ये लोग जो एशिया के अलग अलग जगहों से आए थे, विशेषकर पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से ये लोग आए थे जो पशुपालक थे, जो दूसरे देशों से आए थे, मैंने लिखा हुई है फॉरेन इन्वेडर थे, इन्होंने भीलों पर आक्रमण कर दिया और भील जो थे वो एक जगह पर बस गए और एशिया से आए हुए जो लोग थे वो जोधपुर के आसपास के एरिया में बस गए। कई साल बीतते गए लेकिन
राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि सूखा दिन ब दिन पड़ता जा रहा था, हरियाली इतनी थी नहीं, लोग क्या कर रहे थे, जानवरों को चराने के लिए पेड़ों को काटते जा रहे थे, खुद भी अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए वो पेड़ों की सब्जियां बनाकर खा रहे थे, जैसे सांगरी की बनती है और अपन कह सकते हैं बेर या कैर का भी उपयोग अचार वगैरह में किया जाता है। इस तरीके से लोगों की जिंदगी जो थी वो चल रही थी, पर उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट थे। अपना तो ख्याल रखना ही था, साथ साथ में अपने जानवरों का भी ख्याल रखना था, उन्हें पानी और भोजन की भी व्यवस्था करनी थी। कुछ समय बीतता गया, कुछ साल भी बीतते गए, लेकिन राजस्थान के खेजड़ीली एरिया या कह सकते हैं मारवाड़ का जो एरिया था उस वक्त, उसमें कोई सुधार नहीं आया। ना ही बारिश टाइम पर होती थी, ना ही फसलें उगती थी, ना ही हरियाली थी, हर जगह सूखा सूखा दिखाई देता था। पहले कम से कम बारिश होती तो थी, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आया कि बारिश बिल्कुल ही होना क्या हो गई, बंद हो गई। अब हुआ क्या, हम लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। 13th century के अंदर कुछ समय बीतने के बाद 13वीं शताब्दी जब आई, 13th century के अंदर राठौड़ ऑफ कन्नौज के जो राठौड़ थे, उन्होंने भीलों से क्या किया, युद्ध किया, या कह सकते हो भीलों पर आक्रमण किया। और भील लोग जो थे उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, तो भील लोग क्या हो गए, जितनी भी जनजाति थी वो हार गए, और जीत कौन गया, कन्नौज। कन्नौज के राठौड़ जो थे वो भीलों से क्या हो गए, युद्ध में जीत गए, क्योंकि उनके पास वो राजा महाराजा थे, उनके पास हथियार थे, युद्ध करने के सभी उपकरण थे। पर भील जनजाति थी, कम लोग थे, लोग ज़्यादा थे लेकिन इतना वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, या उनको नहीं पता था कि कैसे काम किया जाए, तो भील लोग हार गए थे। और 13वीं शताब्दी में जो राठौड़ थे कन्नौज के, वो क्या हो गए थे, जीत गए थे भीलों से। फिर क्या हुआ, उस समय शासन चल रहा था, समय आ चुका था 1451 का। ध्यान रखना, सेंचुरीज बदलती जा रही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 13वीं शताब्दी में ये सब हुआ। अब हम 14वीं शताब्दी के मिड में आ चुके हैं, मतलब 150 साल बाद वहां पर क्या हुआ, उस समय चल रहा था राव जोधा जी का शासन। राव जोधा जी एक बहुत ज्यादा वीर और एक साहसी क्या थे, राठौड़ वंश के राजा थे। उनका शासन जोधपुर के आसपास के जितना भी मारवाड़ एरिया है उस पर चल रहा था, और समय था 1451। राव जोधा जी का जब शासन चल रहा था मारवाड़ के क्षेत्र पर, उसी वक्त उनके ही गांव में पीपासर में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा बचपन से ही बड़ा मेधावी, या बड़ा कह सकते हो ना, तेज और चतुर दिखाई देता था, ऐसा कहा जाता है। तो हम देखेंगे वो बच्चा कौन था जिसका जन्म हुआ, वो बच्चे थे जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 के बाद जो राव जोधा जी थे उनके शासनकाल में हुआ। बचपन से ही उन्हें जाम्बोजी कहकर बुलाया जाने लगा। बच्चा बड़ा ही असाधारण था, दिखने में बड़ा ही तेज और चतुर था, समझदार भी था। तो जाम्बोजी का जन्म कब हुआ, आपके ये क्वेश्चन भी है, जाम्बोजी का जन्म राव जोधा जी के शासनकाल के मध्य में हुआ था। जाम्बोजी का मदर का नाम हमसा देवी था। जाम्बोजी की माँ का नाम क्या था, हमसा देवी। फादर जो थे जाम्बोजी के, वो एक हेड थे, सरदार थे लाहौट के। इस तरीके से वो काफी ही आप कह सकते हो बाजरे के एक क्या थे, विक्रेता थे। उनके पास बाजरा भरपूर मात्रा में क्या था, अवेलेबल था। एक जमींदार भी थे, अच्छी जमीनें थी, उस पर बाजरे की खेती भी बहुत अच्छे से उन्होंने की हुई थी। और साथ ही साथ में जाम्बोजी के जो फादर थे, वो जाम्बोजी को लेकर जाते थे अपने साथ में जानवरों को दिखाने के लिए, गाँव में जगह जगह जानवरों को चराने के लिए। जाम्बोजी बचपन से ही जानवरों के साथ रहे हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। इस तरीके से हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जाम्बोजी का जन्म राव जोधा जी के शासनकाल में हुआ। फादर जो थे वो जमींदार थे, बाजरे की उनके पास काफी स्टोरेज थी। माँ का नाम हमसा देवी था, और कहाँ हुआ था उनका जन्म, पीपासर गाँव में हुआ था। ये हमें विशेष ध्यान रखना है, पीपासर एक गांव है जो कि मारवाड़ एरिया के अंदर आता है, वहां पे ही जाम्बोजी का जन्म हुआ था। और वहां के उस समय राजा जो थे वो राव जोधा जी ही थे, उनका ही शासन उस समय चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, बचपन से ही जो जाम्बोजी थे वो क्या करते थे, जानवरों को चराने के लिए लेकर जाते थे, क्योंकि जाम्बोजी के फादर के पास बहुत सारे जानवर थे। जब जाम्बोजी छोटे थे तो वो अपने एनिमल्स को चराने के लिए क्या करते थे, खेतों में ले जाया करते थे। खेतों में खेजड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी छांव में जाम्बोजी लेट जाया करते थे। अलग अलग तरीके के जानवरों को देखते थे, 2 12 सिंह आपस में लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई देखना जाम्बोजी को बहुत अच्छा लगता था। काले हिरण को पकड़ना जाम्बोजी को बड़ा ही बेहद पसंद था। इस तरीके से जाम्बोजी बचपन से ही क्या करते थे, जानवरों के बीच में ही अपना जीवन क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, मारवाड़ का एरिया जो था और ज्यादा बदतर होने लगा। धीरे धीरे वहां पर सूखा पड़ने लगा, बारिश जो थी न के बराबर होने लगी, बंद होने लगी, मतलब बारिश हो ही नहीं रही थी। हर जगह जो थोड़े बहुत पेड़ दिखाई देते थे वो भी सूखने लगे,
लोगों के घर में जो कुछ था उन्होंने खा लिया था, पर अब जानवरों को खिलाने के लिए और खुद के खाने के लिए पेड़ों के अलावा लोगों के पास भी कुछ बचा नहीं था। लोग धीरे धीरे पेड़ों की जो खाल थी उसको काटने लगे थे, अपने जानवरों का पेट भरने लगे। बेर सांगरी के जो पेड़ थे उनको उनकी गुठलियां निकाल कर उनको मसल कर आटा टाइप बनाने लगे और अपना पेट भरने लगे। धीरे धीरे समय निकल रहा था लेकिन मारवाड़ के एरिया में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अब हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया। अब जो वो छोटा सा बच्चा था जिसको हम जांबू जी कह रहे हो, वो कितने हो चुके थे, 25 साल के हो चुके थे। अब जांबू जी की उम्र कितनी हो चुकी थी, 25 साल की। पूरे गांव में, पूरे मारवाड़ में उन्हें जांबू जी के नाम से जाना जाने लगा। जांबू जी ये सारी सिचुएशन शुरू से ही देख रहे थे अपने एरिया के, तो जांबू जी ने सोचा कि कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये सारे इंसानों की गलती है और इंसान ही है जो अपनी दिव्य शक्ति से या अपनी मेहनत से वापस इस उजाड़ भरी जमीन को क्या कर सकता है, हरी भरी कर सकता है, ऐसा जांबू जी सोच रहे थे। बाद में हुआ क्या, जांबू जी ने देखा कि हमारे पूरे मारवाड़ के अंदर क्या पड़ने लगा, सूखा। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ने लगा, बारिश हो नहीं रही थी, सूखा पड़ रहा था। जांबू जी ये हालत देख रहे थे, लोग परेशान थे, जानवर भी परेशान थे, खाने के लिए कुछ था नहीं, करे तो क्या करे, ना बारिश हो रही थी ना कुछ, और सूखा पड़ा और लगभग सूखा 8 साल तक मारवाड़ के क्षेत्र में लगातार पड़ता रहा। ये आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ में सूखा कितने साल तक रहा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, मारवाड़ में जो सूखा है वो 8 साल तक लगातार जो था उस एरिया में रहा। सूखा मतलब बारिश नहीं होना, सभी जो जानवर थे वो भूख से मर रहे थे, पेड़ पौधे जो थे वो भी सूख चुके थे। जांबू जी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। 34 साल के जब जांबू जी हुए तब उन्होंने क्या कहा, ऐसे तो मारवाड़ पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, बर्बाद तो पहले ही हो रहा है। तो उनकी दिव्य शक्ति से उन्होंने एक प्राप्त किया अपने आप को, उन्होंने सोचा और विचार किया कि क्यों ना मैं कुछ प्रयत्न करूं और मारवाड़ की जो ऐसी सिचुएशन है उसको क्या करूं, सुधारूं। और उसके बाद जांबू जी जब 34 साल के हुए, जो एक छोटा सा बच्चा था अब वो 34 साल का हो चुका है, तो उन्होंने 1485 में मैसेज फैलाना शुरू कर दिया। मैसेज मतलब अपने लोगों को साथ में जोड़ने लगे, अपने अपने लोगों को बताने लगे और कुछ 29 नियमों को उन्होंने लोगों को क्या किया, पहुंचाया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जांबू जी ने अपना मैसेज जो था, अपने जो विचार थे वो लोगों को कब बताने शुरू किए, जब वो 34 साल के हो चुके थे, पूर्ण रूप से समझदार हो चुके थे। और 1485 में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों को मतलब कलेक्ट करते थे और अपनी मन की बातें उन्हें बताते थे। और जांबू जी ने 29 नियम बनाए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जांबू जी ने कुछ 29 नियम बनाए थे, 29 मतलब 29, 20+9 मतलब 20+9, 20+9, ये 29 नियम जो व्यक्ति मानेगा उसे बिश्नोई कहा जाने लगा। यही सारे अनुयायी थे, फॉलोवर थे, द फॉलोवर ऑफ जांबू जी आर कोल्ड बिश्नोई। जांबू जी के बताए हुए 29 नियमों को जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मान रहा है, उनकी पालना कर रहा है, उन्हें खेजड़ली या मारवाड़ में खेजड़ली गांव के आसपास के जो लोग थे वो सब मानते थे, उन्हें क्या कहा जाने लगा, बिश्नोई कहा जाने लगा। 29 रूल्स थे, यहाँ पर आप देखेंगे 20 मतलब 20+9 29 नियमों को मानने वाले लोग बिश्नोई कहलाने लगे। मारवाड़ के एरिया में सभी जांबू जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उनकी बातें, उनके विचार सभी लोगों को बहुत अच्छे लगे। सभी लोगों ने जांबू जी के साथ मिलकर अपने गांव के सूखे की हालत को सुधारने का क्या किया, फैसला किया। सभी लोग जांबू जी के अनुयायी बनने लगे, उनके फॉलोवर बनने लगे और जांबू जी उनके क्या बन गए, श्रेष्ठ देवता बन गए। जैसा जांबू जी कहते थे वैसे वहां की जनता क्या करती थी, काम करती थी। इसलिए ही मारवाड़ के क्षेत्र में आज भी बिश्नोई लोग पाए जाते, उनकी पूरी कम्युनिटी को इसी रूप में जाना जाता है। और जांबू जी ने जो 29 नियम बताए थे उनमें विशेष 2 नियम थे जो कि एक ईश्वरीय देन थी, या कह सकते हैं भगवान भी उनसे सहमत थे। वो विशेष 2 नियम कौन से थे, जांबू जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ पौधों को काटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ पौधे को नहीं काटेगा। ये बिश्नोई के 29 नियमों में एक सबसे ऊपर पहला नियम था। इसके साथ साथ जांबू जी ने एक नियम और दिया था, कहा था कि कोई भी जानवरों की हत्या नहीं करेगा, जानवरों की हत्या करना निषेध है, मना है। और ये भी बिश्नोइयों का एक दूसरा नियम था। इस तरीके से 27 नियम और भी थे जो अलग अलग प्रकार से लोगों ने फॉलो किए थे। तो
जाम्बो जी मेन यही चाहते थे कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटा जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को उगाया जाए, ना ही बेजुबान या कह सकते हो कि निर्दोष जानवरों की हत्या किया जाए। इस तरीके से मारवाड़ में जाम्बो जी का प्रचार फैलने लगा। वो खुद 34 साल की उम्र में इस चीज को आगे बढ़ाने लगे, सभी लोग उनके बातों को मानने लगे और इस तरीके से पूरा का पूरा मारवाड़ बिश्नोइयों से भर चुका था, क्योंकि सभी लोग जो जाम्बो जी के इस नियम को मानते थे उन्हें बिश्नोई कहा जाने लगा, जिनमें ये विशेष दो नियम महत्वपूर्ण थे। अब हुआ क्या, थोड़ा और समय बीतता गया, जाम्बो जी ने पूरे मारवाड़ पर अपना एरिया कर लिया था, मतलब अपना अधिकार जमा लिया था। अधिकार ऐसे नहीं कि अपना राज्य जमा लिया था, अधिकार मतलब लोगों को अपने अपनी बातों से क्या कर लिया था, प्रभावित कर लिया था। सभी लोग अब पूरे के पूरे पेड़ों को उगाने लगे और पूरे एरिया पूरे मारवाड़ के अंदर क्या होने लगा, खेजड़ीली पेड़ों को उगाने जाना शुरू कर दिया। सूखा तो पड़ ही रहा था, पहले साल सूखा पड़ा तो लोगों ने घर में जो कुछ था उसका उपयोग करके अपना काम चलाया। दूसरे साल में लोगों ने पेड़ों को काट के या फिर कह सकते हैं कि सांगरी की सब्जी बना ली या फलियों की सब्जी बना ली या कढ़ी टाइप की जो चीज़ें बनती है हमारे घरों में वो इन्हीं पेड़ों से बनती है, ऐसे करके गुजारा किया। तीसरे साल में लोग अब पलायन करने लगे थे, अपने मारवाड़ को छोड़कर कहीं और जाने लगे थे, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां पर थे जो थे जाम्बो जी के फादर, क्योंकि उनके पास बाजरे का भरपूर क्या था, स्टोर था उस समय। धीरे धीरे लोगों को जब ये बात समझ में आई तो लोगों ने जाम्बो जी का साथ दिया और ज्यादा से ज्यादा खेजड़ी पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया। अब गांव या मारवाड़ एरिया जो था उसकी हालत सुधरने लगी और जोधपुर से 16 किलोमीटर दूर एक गांव था जिसका नाम है खेजड़ली, जिसके बारे में मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है। तो खेजड़ली गांव जो है 16 किलोमीटर दूर है अपने जोधपुर से, आज भी ये गांव वहां पर पाया जाता है। खेजड़ली गांव जो है पूरी की पूरी बिश्नोई लोगों से भरा हुआ है और जहां पर सबसे ज्यादा आपको खेजड़ी के पेड़ जो है वो देखने को मिलेंगे, चारों तरफ खेजड़ी खेजड़ी के जो कल्प वृक्ष है वो आपको देखने को मिलेंगे, खेजड़ली गांव का नाम है। अब वहां पर हुआ क्या, खेजड़ली गांव के जो लोग थे वो 250 साल पहले ही जाम्बो जी की बातों से प्रभावित हो चुके थे, अपने पूरे गांव को हरा भरा वो खेजड़ी से कर चुके थे। अब राव जोधा जी का उस समय शासन चल रहा था, उनके जो वंशज आए थे उनके वंशज का नाम था अभय सिंह। अभय सिंह एक राजा थे जो राव जोधा जी के वंशज थे, नवे वंशज थे, अब वो राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो अभय सिंह ने सोचा कि जो जोधपुर के राजा थे, अभय सिंह ने सोचा कि मैं अपने लिए एक महल का निर्माण करवाऊंगा, बड़ा ही सुंदर एक महल बनवाना चाहता हूं और उसमें जोधपुर के लाल पत्थरों को लगाना चाहता हूं, ऐसा अभय सिंह सोच रहे थे जब वो क्या बन चुके थे, जोधपुर के राजा बन चुके थे। उस समय की बात है, ये बहुत आगे की बात आ चुकी है, जाम्बो जी का बहुत पीछे रह चुका है, सदियां बीतती जा रही है, आप ध्यान रखेंगे। अब बात कब की आ चुकी है, 1730 की, और हम लोग उस समय जब बात कर रहे थे वो था 1451, तो लगभग 250 से 300 साल, 3 सेंचुरी हम आगे आ चुके हैं। अब अभय सिंह जो थे वो जोधपुर के नए राजा बन चुके थे, चाहते थे एक पैलेस का, एक महल का निर्माण करवाना, और कब उन्होंने ये बात सोची थी, 1730 के अंदर, और उस महल में क्या लगवाना चाहते थे, वो रेड स्टोन, लाल रंग के जोधपुरी पत्थर जो आज भी जोधपुर में उनके घर बने हुए, लोगों के लाल पत्थर से बने हुए हैं। अब हुआ क्या, अभय सिंह ने अपने जो दीवान थे उनको ऑर्डर दिया, कहा कि मैं एक महल का निर्माण करवाना चाहता हूँ, जोधपुर के आसपास के एरिया में जाओ जहाँ पर खेजड़ीली भी शामिल था, और जाकर पेड़ों को काट के ले आओ, क्योंकि महल बनवाने के लिए जो चूना होता था उसको पकाना पड़ता था और चूने को पकाने के लिए आपको ईंधन की ज़रूरत होती थी। ईंधन हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, राजस्थान में तो बिल्कुल भी ईंधन नहीं मिलता था, फ्यूल जिसको कहा जाता है वो नहीं मिलता था। तो अभय सिंह ने महल निर्माण के लिए चूने को पकवाने के लिए अपने दीवान को कहा कि जाकर पेड़ों को काट के ले आओ। तो दीवान ने अपने जो नीचे सिपाही लोग थे उनको ऑर्डर दिया कि जाओ खेजड़ली गाँव जाकर देखो कि वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ है, ऐसा हमने सुना है। जितने भी गांव के लोग थे वो खेजड़ी, जो सिपाही थे राजा के, वो खेजड़ीली गांव में आए, घोड़े पर बैठ के आए, कुल्हाड़ियां हाथ में लेकर आए, आते ही पेड़ों को काटना वो शुरू हो गए। लेकिन खेजड़ीली गांव के जितने भी समुदाय के लोग थे जिसको बिश्नोई कहा गया है, वो सारे के सारे पेड़ों से चिपक गए, और उनमें विशेष रोल जिसने निभाया था वो थी अमृता देवी। अमृता देवी की 3 बेटियां भी उनके साथ थी, अमृता देवी और 3 बेटियां। जब अमृता देवी को ये पता चला कि अभय सिंह के दीवान ने कुछ सिपाहियों को भेजा है हमारे खेजड़ीली गांव के खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम बिश्नोई है, हम जाम्बो जी की क्या है, भक्त है, जाम्बो जी ने हमें संदेश दिया है कि हमारी आंखों के सामने हम पेड़ों को काटते हुए नहीं देख सकते। इस तरीके से समुदाय पूरे के पूरे बिश्नोई लोग इकट्ठे हो गए और हर व्यक्ति एक एक पेड़ से चिपक गया और कहने लगे अभय सिंह के दीवान या उनके
लिखे सिपाहियों को कि पहले आपको हमारे पेड़ों को काटने से पहले हमें मारना होगा। इतनी प्रेम भक्ति देखकर, पेड़ों के लिए इतना ज्यादा प्रेम देखकर सिपाही लोग जो थे वो थोड़े से डगमगाने लगे और कहने लगे कि ये कैसे पागल लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों से चिपक चुके हैं और पेड़ इनको अपनी जान से ज्यादा प्यारे। अमृता देवी ने कहा, हाँ पेड़ मुझे मेरी जान से प्यारे, मेरे बच्चों को भी जान से प्यारे हैं। अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें मार दीजिए, फिर आप पेड़ काटिए। अमृता देवी ने बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही कहते ना कि वीरता के साथ पेड़ों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो सिपाही लोग थे उन्होंने इन पर तरस नहीं खाया और इन्हें मार दिया गया। इस तरीके से दर्द भरी हत्या जो थी अमृता देवी और उनकी तीनों बेटियों की कर दी गई, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए आगे आई थी। जैसे ही खेजड़ीली गांव में ये बात पता चली तो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के समान चिपक गए। और उस समय जो अभय सिंह के जो लोग थे, सिपाही थे, उन्होंने 363 लोगों को मार दिया गया, जो कि बिश्नोई लोग के समुदाय के लोग थे जो कि पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपके हुए थे। और जाकर जब दीवान ने ये बात अभय सिंह को बताई और अभय सिंह को ये पता चला कि पेड़ों को बचाने के लिए इतने लोग आगे आ गए और ये बात पूरे के पूरे मारवाड़ एरिया में फैल गई, दूसरे समुदाय के लोग भी आए जो अलग अलग जगहों पर रहते थे इनकी सहायता करने के लिए, सभी बहन भाई मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे। और जब अभय सिंह को ये बात पता चली तो अभय सिंह खुद अपने घोड़े पर बैठकर खेजड़ेली गाँव आए और वहाँ पर अपने किए की माफ़ी मांगी, गलती की एहसास हुआ उन्हें। और अभय सिंह ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद कोई भी जोधपुर के किसी भी एरिया में निर्दोष जानवरों को नहीं मारेगा और ना ही पेड़ पौधों को काटेगा। इस तरीके से अभय सिंह ने वादा किया और सभी लोगों के सामने उन्होंने अपनी गलती को भी माना। इस तरीके से आज भी अगर आप जोधपुर के खेजड़ीली गांव में जाएंगे तो वहां पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए कुछ आपको नियम दिखाई देंगे जो कि जांबू जी के लिखे हुए थे, साथ ही वादे के रूप में जो चीजें लिखी हुई थी जो अभय सिंह ने लिखी थी। और उसके बाद बिश्नोई लोगों में इतना ज्यादा ये बात फैल गई कि कोई भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करेगा, ना ही हरे भरे पेड़ को काटेगा। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये कहानी हमें आखिर बताना क्या चाहती है? बताना चाहती है कि बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों को बचाने के लिए कितने ज्यादा आतुर हैं, कितने ज्यादा कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही साथ वो निर्दोष जानवरों की हत्या भी कभी नहीं कर सकते। इस तरीके से जोधपुर में आज भी बिश्नोइयों की कम्युनिटीज देखने को मिलती है जो कि जानवरों से बड़ा ही लगाव रखती है, प्यार रखते हैं, 29 नियमों का पालन करती है, साथ ही साथ जांबो जी को अपने भगवान के रूप में, इष्ट के रूप में पूजा करती है। अमृता देवी ने यह एग्जाम्पल दिया कि एक औरत होते हुए भी उसने वीरता पूर्वक जो सिपाही थे उनका सामना किया, अपनी जान को सैक्रिफाइस किया और एक पेड़ को क्या किया, बचा लिया। इस तरीके से ये कहानी हमें बताती है कि पेड़ों के लिए भी जान देना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि विष्णुई समाज के लोगों के अंदर आज भी पाई जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जो सही है उसको आपको चूज करना होता है। हु वाज द मदर ऑफ जांबोजी, जांबोजी के मदर का क्या नाम था? आंसर है हमसा देवी, सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द एज ऑफ जांबोजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटूक द मारवाड़। उस समय जांबोजी की एज कितनी थी जब मारवाड़ पे एक भयंकर आपदा आ गई थी, जो आपदा क्या थी, सूखे की आई थी। तो उस समय जांबोजी जो थे 25 साल के थे, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इस चीज को बदलेंगे और करते करते वो 34 ईयर के हो चुके थे। हाउ मैनी विष्णुई सैक्रीफाइस देयर लीव्स टू गार्ड देयर स्कैर्ड हेरिटेज। कितने विष्णुइयों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया था, त्याग दिया था अपने धरोहर को बचाने के लिए। धरोहर उनकी क्या थी, पेड़ थे। तो हमने देखा था 363 लोग जो थे जो अमृता देवी के साथ जो थे मिल गए थे और अपनी जान को नछावर कर दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर 30-40 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ में किस प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं? आंसर है मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें विशेष जो है वो है खेजड़ली, जो हमने देखा ही है, खेजड़ी पर तो पूरा चैप्टर ही है, खेजड़ली, बेर और सांगरी। ये तीन विशेष पेड़ हैं जो मारवाड़ में आज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर हम देखें तो एंटीलॉप, ब्लैक बक्स होते हैं काले हिरण, और चिंगारा और नीलगाय जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया है। ये जानवर और कुछ विशेष प्रकार के पेड़ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के असली लोग कौन थे, कौन निवासी थे जो वहां पर परमानेंट रहते थे? आंसर है
भील स्वर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ में सबसे पहले कौन आकर बसा था? भील। तो इसका आंसर जो है वो भील है, भील ही है जो मारवाड़ के निवासी पहले से थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ वाज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड। मारवाड़ की जो वेजिटेशन थी, जो पेड़ पौधे थे, वो किस प्रकार इफेक्टेड हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे? आंसर है द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगन टू अफेक्ट द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़। ज्यादा जानवरों का जो झुंड है वो आ गया, क्योंकि जितने ज्यादा जानवर होंगे उतने ही ज्यादा वो पेड़ पौधों को खाएंगे। तो ज्यादा जानवर आने की वजह से पेड़ पौधे क्या हुए थे, कमी आने लगी थी, बारिश वैसे भी नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुए। ट्रीज वर हैक्ड फॉर फ्यूल एंड फूडर, और पेड़ों को ईंधन के लिए काट भी लिया गया था, जिस वजह से उनकी संख्या भी कम होने लगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु कॉन्क्वर्ड द भील्स फाइनली एंड बिकम द रूलर ऑफ होल मारवाड़। कौन था जिसने भीलों को क्या किया था, जीत लिया था और वहां का वो राजा बन गया था, मतलब भीलों को हरा कर खुद राजा बन गए थे। आंसर है इन 13th सेंचुरी ऑफ राठौड़ ऑफ कन्नौज। कन्नौज के जो राठौड़ थे उन्होंने क्या किया था, भीलों को क्या किया था, जीत लिया था और वही पूरे मारवाड़ के क्या बन गए थे, राजा, जिनका शासनकाल राव जोधा जी के समय में शुरू हुआ था। दे बिकम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़, और वही मारवाड़ के क्या बने, नए राजा बने। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जंबाजी। जंबाजी के माता पिता का क्या नाम था? आंसर, हिज फादर वाज द हेडमैन ऑफ ठाकुर लोहट। जंबाजी के जो फादर थे वो ठाकुर थे, कहाँ के, लोहट के, और उनके पास बाजरे की बहुत ज्यादा क्या थी, स्टोरेज थी। हिज मदर्स नेम वॉज हमसा देवी, और जंबाजी की जो मदर है उनका नाम क्या था, हमसा देवी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वट वर द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंथ्रिलिंग थिंग्स ऑफ जंबाजी। जंबाजी के लिए सबसे कहते ना कि एक बहुत अच्छी चीज क्या थी, उनके लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाली क्या ऐसा समय था, क्या ऐसी चीज थी जो जंबाजी को बेहद पसंद थी बचपन में? आंसर है टू टेक द एनिमल्स आउट फॉर ग्रेजिंग। बचपन से ही जंबाजी अपने पिताजी के जो एनिमल्स रखे हुए थे उनको ग्रेजिंग, चराने के लिए गाँव में लेकर जाते थे। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी, और खुद भी खेजड़ी के पेड़ के नीचे लेट जाया करते थे। वॉच द हर्ड्स ऑफ द ब्लैक बक, और काले हिरणों का जो झुंड था उसको देखते थे। 12 सिंह आपस में लड़ रहे होते थे। ये सारी चीजें जंबाजी को बचपन में देखना बेहद पसंद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट वर द टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ द जंबाजी मैसेज। जंबाजी ने 29 नियम बताए थे, उनमें से दो जो विशेष नियम थे वो क्या थे? आंसर है जंबाजी मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टीनेट्स। टीनेट्स मतलब होता है सिद्धांत। जंबाजी ने 29 सिद्धांत बताए थे। इट्स टू मेजर कमेंडमेंट्स वर द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन टी एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, जिसमें दो विशेष जो सिद्धांत थे वो था, पहला हरे भरे पेड़ों को जो है वो कोई भी नहीं काटेगा, और दूसरा सिद्धांत उसमें था जो कोई भी निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करेगा। ये दो उनके विशेष क्या थे, नियम थे, हरे पेड़ों को नहीं काटना, निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करना, जो उनके 29 नियमों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर बिश्नोई कॉल्ड हिज दिस नेम। बिश्नोइयों को उनके नाम से क्यों पुकारा जाने लगा? आंसर है जंबाजी फ्लावर्स वर कॉल्ड बिश्नोई। जंबाजी के जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, या कह सकते हैं जंबाजी के नियमों को मानने वाले जो लोग थे, उन्हें क्या बोला जाने लगा, बिश्नोई कहा जाने लगा। क्योंकि 29, क्योंकि वो 29 नियमों का पालन करते थे। बिकॉज दे वर एडहेड टू जंबाजी 29 precepts, क्योंकि उन्होंने जंबाजी के बनाए हुए 29 नियमों का पालन किया। विशेष करके गाँव में पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता था और जानवरों की भी हत्या नहीं की जाती थी, इसलिए उन्हें जंबाजी के अनुयायी या कह सकते हो कि उनके शिष्य कहा गया, जो 29 लोग थे 29 नियम को मानते थे, जिन्हें बिश्नोई कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द यूज ऑफ द लाइम क्लिंस। चूने के भट्टे का प्रयोग क्या किया जाता था या कैसे किया जाता था? आंसर, लाइमस्टोन्स आर क्योर्ड इन द लाइम क्लिंस। चूने को जो भट्टे में क्या किया जाता था, डालकर उसे पकाया जाता था, क्योंकि कच्चा चूना जो होता था वो मसाला भरने में काम नहीं आता था। जब अभय सिंह अपने महल का निर्माण करवा रहे थे तो उन्हें पक्के चूने की जरूरत थी, और चूने को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत थी। ईंधन कहाँ से मिलेगा, पेड़ों को काटने से, इसलिए उन्होंने अपने दीवान को भेजा था वहां पर पेड़ों को काटने के लिए अभय सिंह ने। तो आंसर है लाइमस्टोन्स आर क्योर्ड इन द लाइम किन। चूने के भट्टों में चूने को तैयार किया जाता है, पकाया जाता है। क्रब्ड लाइमस्टोन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द मोर्टर टू द कंस्ट्रक्ट स्टोन वॉल। और जब चूना पक जाता है तो उसका मसाले के रूप में दीवारों की चिनाई वगैरह करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रीज हैव टू बी हैक्ड फॉर दिस पर्पज, और ईंधन के लिए पेड़ों को काटा जाता है, जो कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Why did दीवान send his men to the खेजड़ी? जो अभय सिंह के जो दीवान थे उन्होंने अपने सिपाहियों को या अपने जो काम कर रहे थे लोग उनको खेजड़ी ली गांव क्यों भेजा था दीवान ने? आंसर है To prepare lime for the limestone, a lot of fuel needed. क्योंकि चूने को पकाने के लिए जब महल बनवाना था तो चूने को पकाने के लिए ज़्यादा फ्यूल की जरूरत थी. फ्यूल मतलब ईंधन की जरूरत थी. और ईंधन जो है वो किससे मिलेगा? पेड़ पौधों से ही मतलब अवेलेबल हो सकता था. तो देर वार मैनी अदर ट्रीज लाइक खेजड़ी अराउंड द विलेज. तो जोधपुर से 16 किलोमीटर दूर खेजड़ी गाँव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, ऐसा दीवान जानते थे. तो उन्होंने अपने जो सिपाही लोग थे उनको बोला कि जाकर उनको खेजड़ी गांव से पेड़ों को काट लाओ ताकि उनका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकें और राजा के महल का निर्माण अच्छे से कर सकें. दीवान सेंड हिज मैन टू कट द खेजड़ी ट्री. दीवान ने अपने आदमियों को भेजा खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए. सो दैट द ट्रीज कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ताकि कटे हुए पेड़ों का उपयोग एज ए ईंधन के रूप में किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 11. What promise did Abhay Singh make to Bishnoi? जब अभय सिंह को ये बात पता चली कि इतने सारे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो अभय सिंह जब आए तो उन्होंने गांव वालों से क्या प्रॉमिस किया? आंसर है अभय सिंह प्रॉमिस दैट नो ग्रीन ट्री एवर बी कट नियर देयर विलेज. अभय सिंह ने आकर प्रॉमिस किया गांव के सभी लोगों को, बिश्नोइयों को, कि अब से हमारे आसपास किसी भी जगह पर किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा जो पेड़ हरा हो. And no animal be hunted in this area. और ना ही किसी जानवरों को, बेकसूर जानवर को मारा जाएगा. इस तरीके से बिश्नोई लोगों ने पहल की थी जानवरों को और पेड़ पौधों को बचाने की. क्वेश्चन नंबर 12. What was the written in the script presented to बिश्नोई? अभय सिंह ने कॉपर प्लेट के ऊपर क्या लिखा था जिसमें कुछ मैसेज दिया गया था वो हमें बताना है. आंसर है इट वॉज रिटन ऑन द स्क्रिप्टन दैट नो ग्रीन वुड ट्री वुड एवर बी कट. यही लिखा गया था कॉपर प्लेट के ऊपर कि अब से जोधपुर या मारवाड़ के क्षेत्र में किसी भी हरे पेड़ को कभी भी काटा नहीं जाएगा और ना ही वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन दिस एरिया और ना ही किसी निर्दोष प्राणी की क्या ली जाएगी, हत्या ली जाएगी, मतलब जानवरों को मारा जाएगा. बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1. What disaster did मारवाड़ फेस व्हेन जंबाजी वाज 25 ईयर ओल्ड? जब जंबाजी 25 वर्ष के हुए थे तो मारवाड़ किस संकट को झेल रहा था? आंसर द वर्स्ट ऑफ द ड्राउट. उस समय मारवाड़ में सूखा पड़ गया था, जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी वो भी होनी बंद हो गई थी. एंड द सफर, उसको झेल कौन रहा था सबसे ज्यादा सूखे को? द ड्राउट वर द कैटल. जो जानवर थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे क्योंकि उनको पीने के लिए और खाने के लिए पानी या भोजन नहीं मिल रहा था. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले वर्ष, दे कुड ईट द बाजरा स्टोर इन द हाउस. ये लोग बाजरा खा के काम चलाते थे जो कि उनके घर में पहले से स्टोर किया गया था. उसके बाद साल भर तक फिर बारिश नहीं हुई और सूखे के दूसरे साल इन द सेकेंड ईयर देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास. फिर एक दिन का भी घास का देखने को पूरे गाँव में नहीं मिल रहा था. सूखा इतना ज़्यादा जबरदस्त था कि बारिश ना होने की वजह से जो घास थी वो भी पूरी सूख चुकी थी. एक दिन का भी ऐसा नहीं था कि जानवरों को खिला दिया जाए. एंड द लेफ्ट एनी वेयर, कहीं पर भी बाकी नहीं रहा था. द ब्रॉज वॉज इनसफिशेंट, खाने के लिए जो चारा था या जो चीज़ें थी जानवरों के लिए वो बहुत तरीके से इनसफिशेंट, अपर्याप्त थी. इतनी भी नहीं थी कि वो एक वक्त का भोजन कर सके. जानवरों की बात हो रही है यहाँ पर. द ड्रॉट रिमेन द कंटिन्यू फॉर 8 ईयर, और ऐसा सूखा लगातार 8 वर्षों तक बना रहा था. इस वजह से मारवाड़ की हालत बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी, या कह सकते हो कि खराब हो गई थी. ना जानवरों के लिए कुछ बचा था, ना ही इंसानों के लिए कुछ था. इसलिए कई सारे लोगों ने तो मारवाड़ छोड़कर पलायन भी कर लिया था, वो दूसरी जगह माइग्रेट हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 2. What did the Jambaji stitching affect the villagers? तब जांबाजी ने विचार किया कि मैं इस हमारे गांव के हालात को क्या करूंगा, सुधारूंगा. ये उन्होंने 34 ईयर में अपना काम शुरू किया था. तो जांबाजी के जो प्रयत्न थे, जो उनकी टीचिंग के मेथड थे, उससे गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है द पीपल एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ जांबाजी. गाँव के सभी ग्रामीण लोगों ने जांबाजी की बातों को एक्सेप्ट किया, उनके विचारों को माना. दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड द विलेज. उन्होंने हम अपने गांव के चारों तरफ के जो पेड़ पौधे थे उनको प्रिजर्व किया, उनको फिर से क्या किया, हरा भरा करने की कोशिश की. प्रोटेक्टेड ब्लैकबक और काले हिरण के शिकार को भी क्या कर दिया, रोक लगा दी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम शुरू किया. देयर कैटल हैड एब्यूडेंट ब्राउज देयर लैंड, जिस वजह से उनके लिए ऐसा कुछ करने की वजह से अब जानवरों के लिए खाना जो था वो उपलब्ध होने लगा, क्योंकि जो बंजर भूमि थी वो क्या होने लगी, उपजाऊ होने लगी, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने लगी, कुछ बारिश की बूंदें भी वहाँ पर देखने को मिली बाद में, सूखे के बाद में. एंड द रिकवर्ड इज फर्टिलिटी, खोई हुई जो
उर्वरता क्षमता थी वो भी क्या हो गई थी, जमीनों की दोबारा लौट आई थी। एंड द बिश्नोई बिकम अ प्रॉस्पेरस पीपल, और बिश्नोइयों का जो मारवाड़ एरिया था वो पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस हो चुका था, समृद्धि से बढ़ चुका था, क्योंकि ये सारे प्रयत्न जम्बोजी के किए हुए थे। साथ ही लोगों ने उनकी बात को मानकर अपनी जो खोई हुई जो धरती थी मारवाड़, उसको पुनः हरा भरा कर दिया था, और साथ ही वहाँ पर जानवरों के लिए और खुद के लिए भी उचित पर्याप्त प्रयत्न करके भोजन की व्यवस्था भी कर ली थी। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट डिड बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लीव्स फॉर, बिश्नोइयों ने अपनी जान किसके लिए सैक्रिफाइस कर दी थी, या फिर क्या किया था कि बिश्नोइयों की जान चली गई। आंसर है बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लीव्स टू सेव खेजड़ी ट्री, बिश्नोइयों ने खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए थे। फ्रॉम बींग कट डाउन इन द खेजड़ीली विलेज, जो कि मारवाड़ के खेजड़ीली गांव में जिन्हें काटा जा रहा था, और अभय सिंह ने ऑर्डर दिया था दीवान को पेड़ों को काटने के लिए। द दीवान एंड हिज मैन वॉज एडमेंट टू कट डाउन खेजड़ी, दीवान और उसके जो और लोग थे, सिपाही लोग थे, उन्हें अभय सिंह ने ऑर्डर दिया था कि ईंधन के लिए पेड़ों की जरूरत है, खेजड़ी गांव में जाकर क्या करो, पेड़ों को काट दो। अमृता देवी एंड अदर, अमृता देवी के अलावा और भी कई बिश्नोई लोग थे। अमृता देवी एंड अदर बिश्नोई क्लंग टू द ट्री, क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना। जब अमृता देवी को ये पता चला कि पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वो पेड़ों से चिपक गई। उनको देखते हुए और भी जो लोग वहां पर थे वो भी पेड़ों से चिपक गए। द दीवान ऑर्डर टू कट डाउन द बिश्नोईज विद द ट्री, दीवान ने ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को कि बिश्नोई लोगों को भी काट दो पेड़ों के साथ में ही। अमृता देवी एंड हर डॉटर, अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियां भी थी जो पेड़ों से चिपकी हुई थी, खेजड़ी पेड़ों से। तो दीवान के सिपाहियों ने आरी से, कुल्हाड़ी से उन्हें भी क्या कर दिया, काट दिया पेड़ों के साथ में ही। टोटल 363 लोग जो थे, जो सारे के सारे क्या थे, बिश्नोई थे, उन लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, न्योछावर कर दिया अपने पेड़ों को बचाने के लिए। और वो पेड़ थे कौन से, खेजड़ली के पेड़ थे, जो खेजड़ली गांव में उगे हुए थे। इस प्रकार से बिश्नोइयों ने एक हिम्मत दिखाई, वीरता दिखाई, और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पेड़ों को क्या किया, बचाया। क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ डिड बिश्नोई सेव द ट्री, क्वेश्चन नंबर 4th का जो आंसर है वो बिल्कुल 3rd के जैसा ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन बात दोनों एक ही पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से बिश्नोइयों ने पेड़ों को बचाने में अपना प्राण जो है वो न्योछावर कर दिए। तो सेम ही आंसर है, आप इसको भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर अभय सिंह मैन फ्रेनेटेड, अभय सिंह के जो सिपाही लोग थे या जो दीवान थे, जब वो खेजड़ी गांव में गए थे पेड़ों को काटने, तो वो डर के वापस क्यों भाग गए। आंसर है बिकॉज दे हैड नेवर इमेज्ड दैट द सिचुएशन कुड बी कुड टेक सच एंड द अगली टर्न, क्योंकि वो जाकर खेजड़ी गांव में अभय सिंह के लोगों ने देखा कि गांव के लोग कितने ज्यादा दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि वो पेड़ों को काटने नहीं देंगे। सभी लोग जो है वो पेड़ों के क्या हो गए, चिपक गए। तो उन्हें ये नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, भयानक रूप ले लेगी। दे रिपोर्टेड देयर किंग, वो भाग गए, सिपाही लोग भाग गए और जाकर अपने राजा को, अभय सिंह को, पूरी घटना, इंसिडेंस, पूरी घटना के बारे में क्या दिया, रिपोर्ट दिया। दे रिपोर्टेड देयर किंग अबाउट द इंसिडेंस, उन्होंने पूरी घटना के बारे में अपने राजा अभय सिंह को क्या किया, बताया। अभय सिंह वेंट टू खेजड़ली ऑन हॉर्स, अभय सिंह खुद घोड़े पर बैठकर उस गांव गए, खेजड़ली गांव में। ही एश्योर दैट पीपल दैट द पीपल दैट नो ग्रीन ट्रीज वुड बी एवर कट, और उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि लोग कितने मतलब सच्चे मन से पेड़ों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभय सिंह का मन पिघल गया और उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को प्रॉमिस किया, वादा किया कि आज के बाद खेजड़ी गांव में कोई भी हरे भरे पेड़ को काटा नहीं जाएगा। इस प्रकार से गांव के लोगों को अपने राजा पर विश्वास होने लगा और ना ही जानवरों को मारा जाएगा, ऐसा अभय सिंह ने उन्हें प्रॉमिस किया। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ीली, अभय सिंह जो राजा थे उस समय के, उन्होंने खेजड़ीली का दौरा क्यों किया। ये वाला जो आंसर है, जो मैंने लास्ट 5 क्वेश्चन करवाया है उसके जैसा ही सेम है, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, आप उसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस टेल, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या आपने इस कहानी से क्या सीखा है। आंसर है This tale encourages us to grow and preserve more and more tree. ये कहानी हमें शिक्षित करती है, शिक्षा देती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और लगे हुए पेड़ पौधों को प्रिजर्व करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, प्लांट की और पेड़ पौधों की। वी मस्ट नॉट कट एनी ग्रीन ट्रीज, हमें भी किसी भी हरे भरे पेड़ को काटना नहीं चाहिए। फॉर अवर सेल्फिश एंड, अपने स्वार्थ के लिए हमें किसी भी पेड़ को काटना नहीं चाहिए।
द बिश्नोईज आर ब्रेव एंड ट्रू ऑफ देयर रीजन. ये कहानी हमें ये भी बताती है कि बिश्नोई लोग कितने वीर हैं, कितने साहसी हैं, कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने धर्म को उन्होंने क्या किया, आगे रखा, जो कि उन्होंने जम्बो जी से सीखा था. दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू सेव ग्रीन ट्री. बिश्नोइयों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए. उसमें भी विशेष खेजड़ी पेड़ था. वी शुड मेंटेन इकोलॉजी ऑफ अवर एरिया. हमें भी इस तरीके से कुछ करना चाहिए. जान नछावर ना कर सके तो कम से कम पेड़ पौधों का तो बैलेंस बनाकर रखना ही चाहिए, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो अच्छा बना रहे. इस तरीके से ये कहानी हमें बिश्नोइयों की वीरता के बारे में बताती है. उसमें खास अमृता देवी का नाम याद किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज वाज इंस्क्रिप्ट ऑन द कॉपर प्लेट. अंत में जब बाबे सिंह गांव में पहुंचते हैं तो एक कॉपर प्लेट पे ताम्र के पत्र पर क्या लिखा जाता है. आंसर है द मैसेज वाज दैट नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट. लिखा जाता है कि अब से खेजड़ली गांव या पूरे मारवाड़ में किसी भी जगह पर भी किसी भी हरे पेड़ पौधे को काटा नहीं जाएगा भविष्य में. एंड नोर वुड एनिमल्स बी हंटेड इन द विलेज. और ना ही किसी निर्दोष जानवर की हत्या की जाएगी. इस तरीके से अभय सिंह ने एक स्वर्ण पत्रों पे, एक ताम्र के जो कॉपर प्लेट होती है उसके ऊपर ही खुदवा दिया था और बिश्नोइयों को दे दिया था. इसी तरीके से बच्चों, ये हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है. इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लाइन टू लाइन चैप्टर से भी इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी. साथ ही ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी जो मैंने डिस्कस किए थे आप उनका जरूर ध्यान रखेंगे. साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.